बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और ये है मिर्ज़ा नुमान और आप देख रहे हैं मुग़ल ज़ास्त यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक हमारी तरफ से। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना जो है वो हमसे अलविदा हो चुका है और आज ईद मुबारक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक तो ईद मुबारक कहना चाह रहा था और दूसरा ये बताना था कि मेरे चैनल को जो है आज 10 अप्रैल को जो है एक साल मुकम्मल हो गया है। जब हमने चैनल शुरू किया था तो यही नुमान और मैं थे और हमने बस व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और फिर करते करते जो है कंस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। तो अभी जब वीडियो बन रही होती है तो ये नुमान वीडियो बना रहे होते हैं और मैं जो है आगे बोल रहा होता हूँ। अमूमन आपने वीडियोज़ में देखा होगा और मिल के हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। काफ़ी जो है मुश्किल टाइम था हमारा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारा चैनल जो है वो ज़बरदस्त जा रहा है। एक साल के अंदर अंदर जो है हमने काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं 4300 हैं जितने भी, वो हमने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये है कि भी मेहनत जारी रखी हुई है और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का तामन है वो काफ़ी आपके जो है हम मशहूर हैं, ममनून है। काफ़ी जो है आपकी हम जो है वो करते हैं, हमारी तरफ से शुक्रिया आपका। बाकी यह है कि आपको थोड़ा सा अपने इलाके का माहौल आज दिखाएंगे ईद के हवाले से। कोई भी इस तरह की कोई अपडेट शीट हम आज नहीं शेयर करेंगे क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कहीं हो नहीं रही थी। हमने कहा चलें आज घर में टाइम गुजारते हैं साथ आपके साथ, जो है कोई दो चार अपने एरिया की जो है वीडियोस लगा देते हैं बीच में, वो दिखाते हैं आपको। और फ़लस्तीन के लिए जो है खास दुआ आप लोगों ने भी करनी है, हमने भी की है रमज़ान में। ईद इस दफ़ा जो है बस कोई ख़ास नहीं गुजरी क्योंकि जहन में वही होती है फ़लस्तीन के लोगों को जब देखते हैं और बच्चों को वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख होता है। हम लोग किस तरह ईद गुजार रहे हैं और वो जो है किस तरह, काफ़ी ज़्यादा जो है दुख और परेशानी होती है जब उनका सोचते हैं। तो और मौसम में अगर आपको दिखा दूं तो अभी तो धूप है लेकिन सुबह के टाइम बादल बने हुए थे और हवा ठंडी जो है साथ साथ चल रही है। मौसम आज ज़बरदस्त है ईद के हवाले से। बाकी ग्रीनरी वगैरह जो है साथ साथ होती जा रही है। अभी चल के आपको थोड़ी सी गंदम की फसलें भी दिखाते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं ग्रीनरी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए। आपका भी फ़ायदा होता है साथ हमारा भी होता है, रेवेन्यू बन जाता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि मज़ीद हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हम जो है खुल के काम कर सकें। बाकी यह है कि अर्निंग वगैरह भी साथ साथ आती रहती है लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि हम अर्निंग के लिए करें, यह एक टाइम पास हो जाता है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारे लिए यही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये बंदा कह रहा है जी हम झूठ बोल रहे हैं, अर्निंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अर्निंग के लिए नहीं कर रहे, अर्निंग के लिए करना होता तो हम फिर सब कुछ छोड़ के तो इसी चीज़ पे लगे होते। तो आप लोगों के तावन का शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। तो पहले हमारे व्लॉग फनी होते थे लेकिन आजकल जो है वो छोड़ा हुआ है, सीरियस किस्म के करते हैं क्योंकि हमें जो है सीरियस किस्म के लोग देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम जो है वो सीरियस किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं। बाकी अगर वो वीडियोज़ आपने देखनी हो तो वो ज़रा हमारे ओल्डस में जाके आप देख सकते हैं जो हम तकरीबन एक साल पहले लगाते थे। जब नया नया चैनल शुरू किया था तो मोबाइल भी जो है फ़ोन वो पकड़ना भी आता नहीं था सही तरह से, ना ही कोई वीडियो अच्छी सी बनी थी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल जो है ज़बरदस्त बन रही हैं। गंदम की फसलें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल पक चुकी हैं ये। इंशाल्लाह कुछ दिन तक इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये जो बारिश के दोबारा मौसम शुरू होने वाला है ये रहमत बन के बरसे, क्योंकि आला बारी अगर हो जाए तो फिर फसलें जो दोबारा से तबाह हो जाती हैं या शदीद बारिश भी हो, क्योंकि ये मौसम दोबारा से जो बना हुआ है बारिश वाला इससे फिर काफ़ी नुकसान होता है। ईद पर अगर हम दूर ना जा सकें पिकनिक के लिए तो हमारे पास जो है पहाड़ी करीबी मौजूद है और हम यहाँ पर जाकर जो है अपना कोई पिकनिक का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। जब दिल करे जो है हम जाकर बैठ जाते हैं, गपशप कर लेते हैं। और ये हमारे गांव का व्यू है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का। असल जो ईद है वो छोटे बच्चों की होती है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, ईदी वगैरह भी मिली होती है और ईद के मौके पर जो है पटाखे वो ना छोड़ें तो इस तरह हो ही नहीं सकता। तो गंदम की फसलें आपको मैंने दिखाई हैं वो पक के तैयार हुई हुई हैं और उसमें गलती से अगर कोई बच्चे पटाखा छोड़ दें तो उससे भी गरीब लोगों की भी फसलें होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान का अंदेशा उनको होता है। ये वाला काम भी आपने बच्चों को मना करना है अगर आप गांव से वीडियो देख रहे हैं। बाकी ये है कि ईद पर इंशाल्लाह कोई अगर कहीं टूर हुआ तो वो भी वीडियोस अपलोड करूँगा, कहीं भी ट्रैवल किया तो। बाकी ये है कि एक साल
मुकम्मल हो गया चैनल को, और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस मैंने कोशिश की अपलोड करने की, इंशाल्लाह मज़ीद भी अपलोड करूँगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियोस वॉच किया करें, कमेंट किया करें, चैनल शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर मज़ीद बढ़ सकें। इंशाल्लाह साथ साथ आपको जो है हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। पर अगर आपके पास अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है तो आप गरीबों की मदद फरमाएँ, अल्लाह पाक आपके रिस्क में मज़ीद इजाफ़ा और आपको तरक्या अता फरमाएँगे। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और अगर आप पिकनिक पर जाते हैं या घर में कोई फंक्शन करते हैं खाने का या किसी किस्म का, तो वो वीडियोज़ या पिक्चर्स जो है ना अपलोड करें, अपलोड ना करें, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे तो वो जो है फिर, या इस तरह के आस पड़ोस के लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके दिल फिर दुखते हैं। बाकी यह है कि फ़िलिस्तीन के लिए दुआ फरमाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।